अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब वर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में मालूमात शेयर करूंगा कि लेबोरेटरी में हम रेटिक काउंट किस तरह करते हैं। तो ये मेरे पास रेटिकुलोसाइट के लिए स्टेन है, रेटिक काउंट के लिए। तो रेटिक काउंट के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके बाद हम पेशेंट का होल ब्लड लेंगे। तो रेटिक काउंट के लिए सबसे पहले हम वन ड्रॉप पेशेंट का होल ब्लड लेंगे और इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसके बाद हम टू ड्रॉप रेटिकुलोसाइट स्टेन लेंगे और इसको हम होल ब्लड के साथ मिक्स करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम 15 मिनट के लिए 37 डिग्री पर इनक्यूबेट करेंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद हम इसका स्मेर बनाएंगे और फिर देखेंगे। और इसके लिए जो मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। 15 मिनट के बाद हम इसका एक स्मेर बनाएंगे और फिर इसका हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम इस पर ऑयल डालेंगे और अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें आप लोग ये रेटिकुलोसाइट देख सकते हैं सेंटर में, जिसमें डार्ट जो है ये हमारे पास रेटिकुलोसाइट सेल्स है। तो अब हम इसका रिज़ल्ट कैसे देंगे, इसके लिए हम मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं जो रेटिकुलोसाइट काउंट में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, रेटिक का रिज़ल्ट या तो हम परसेंटेज में देते हैं या हम एब्सोल्यूट वैल्यू में देते हैं। तो इस दोनों के लिए हम दो मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है सबसे पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज में सबसे पहले हम रेटिक सेल काउंट करते हैं, फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1000 पर डिवाइड करेंगे। और रेटिक काउंट के लिए हम 1000 RBCs देखेंगे। 1000 RBC में जो रेटिक हम काउंट करेंगे उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1000 पर डिवाइड करेंगे। तो लेट सपोज़ हमने 12 RBC काउंट किए, तो 12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम 1000 पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1.2 आएगा। तो 1.2 हमारे पास रेटिक काउंट होगा और इसका नॉर्मल रेंज 0.5 से लेकर 2.5 तक है। तो अब इसके बाद अब हम आते हैं एब्सोल्यूट रेटिक काउंट की जानिब। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो एब्सोल्यूट रेटिक काउंट में सबसे पहले हम रेटिक सेल काउंट करेंगे, फिर इसको हम RBCs पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने पहले मेंशन किया था कि हम 1000 RBCs में रेटिक सेल काउंट करेंगे और फिर इसको हम 100 पर डिवाइड करेंगे। तो लेट सपोज़ हमने 8 रेटिक सेल काउंट किए 1000 RBCs में, तो हम 8 को 1000 पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद 100 पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 80 आएगा। तो ये 80 हमारे पास एब्सोल्यूट रेटिक हो गया। इसके लिए हम एक और फार्मूला भी यूज़ करते हैं, तो आइए चलते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो तीसरे फार्मूले में हमने RBCs काउंट करेंगे 1000 और इसमें रेटिक सेल काउंट करेंगे, फिर इसको 100 पर डिवाइड करेंगे। तो लेट सपोज़ हमने 1000 RBCs में 10 रेटिक सेल काउंट किए, तो इसको हम 100 पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो रेटिक काउंट हमारे पास 100 आएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक रेटिक काउंट के लिए।
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।